एक लड़का एक विवाहित लड़की से प्रेम करने लगता है, और वो विवाहित लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के की दोस्त की पत्नी थी, जो कि वह बहुत ही सुंदर दिखने में थी। और दोस्त की पत्नी जो थी वह पहली बार उससे मिली थी। उसका दोस्त बाहर में रहता था, कभी-कभी छुट्टी में मिलती थी तो वो आता था, और लेकिन वो लड़का जो था कभी-कभी उसके रहने पर ही घर जाता था, लेकिन उसकी पत्नी को कभी देखा नहीं था, क्योंकि शादी के बाद वो बहुत कम जाने लगा था, इसलिए कभी गया नहीं। एक ही दिन अचानक किसी काम से वो अपने दोस्त के घर जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी एक सुंदर सी औरत दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर वो लड़का देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी दोस्त की पत्नी जो थी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, और वह इतनी सुंदर थी कि वह देखता ही रह गया, और वो एक ही नजर में उसे पसंद करने लगा। और तभी वह लड़की औरत बोलने लगी, कौन हैं आप और आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? तभी वो लड़का कहता है, जी मैं अपने दोस्त से मिलने आया था, तो भाभी जी वो घर पर है क्या, कुछ काम था? तो ये कहते हो, अच्छा आप मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो अंदर आइए। वो बुलाती है और अंदर बैठने को कहती है। तभी वह लड़का कहता है, नहीं भाभी जी, आप बाहर में ही बुला दीजिए ना, मैं मिलकर चला जाऊंगा अगर है तो। कभी तभी वो औरत कहती है, नहीं आपके दोस्त तो अभी आए नहीं हैं, 2-4 दिन लगेंगे आने में, तो आप बताइए क्या काम था, मैं उन्हें बोल दूंगी। तभी वह कहता है कि आप, तभी वह इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि जब आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो मैं अंदर आ ही जाता हूँ। वह अंदर आता है, तभी इधर वो औरत दरवाजा लॉक कर देती है। वो लड़का अंदर सोफे पर जाकर बैठ जाता है, और तभी वह औरत कहती है, क्या आप कुछ लेंगे ठंडा गरम? तभी वह कहता है, बाहर इतनी सर्दी है तो ठंडा तो नहीं चलेगा भाभी जी, अगर गर्म चीज़ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता। औरत किचन गई और किचन से गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आई और बगल वाले सोफे के पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। वो लड़का एक टक कॉफ़ी पिए जा रहा और उस औरत को देखे जा रहा था, ये भी नहीं सोच रहा है कि वो किसी की पत्नी है, किसी की दुनिया है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ समझ रहा है वो, कि उसकी प्यास कैसे मिटे। और वो औरत जो थी वो इस चीज़ से बेखबर थी, जो सामने लड़का बैठा था उस चीज़ से अनजान थी कि वो क्या कर रहा है। तभी वह बातें चाय कॉफ़ी ख़त्म होती है और फिर औरत के साथ में वह कुछ करीब जाके बैठ जाता है। कहता है, भाभी जी आप तो बहुत खूबसूरत हैं, दोस्त जो है मेरा आपको खुश रखता है या नहीं? तभी वो औरत कहती है, आपको कहने का क्या मतलब है? तभी कहने लगता है कि भाभी जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं और वो इतना दूर जॉब करता है कि आप तो अकेले इस घर में बोर हो जाते होंगे, और वो साथ में रहता भी नहीं है, पता नहीं आप कैसे रह लेते हैं। तभी वो औरत जो थी वो बहुत ही अच्छी थी और चरित्र की भी अच्छी थी, लेकिन तब वो औरत कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मन तो नहीं लगता लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। तो वो लड़का जो था वो कहने लगता है कि भाभी ऐसी भी क्या मजबूरी, अगर आप चाहें तो आपकी मजबूरी भी ख़त्म हो जाए और आपको भैया की याद, मेरे दोस्त की याद भी नहीं आएगी। तभी वो जो औरत थी वो कहने लगी, आप क्या कह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो लड़का उस दोस्त की पत्नी के पास और करीब जाके बैठ जाता है और कहता है, भाभी जी आपके मेरे दोस्त की आपको याद ना आए उसके लिए मैं हूँ ना, अगर आपका इरादा हो तो। तभी औरत पीछे हटती और कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि मैं किसी की पत्नी हूँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तभी वह लड़का कहता है, भाभी जी क्या मेरे दोस्त को पता थोड़ी ना चलेगा हम दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसकी पत्नी जो थी
औरत जो थी वो कहने लगी, भले ही उन्हें पता ना चले लेकिन मैं ऐसी वैसी नहीं औरत नहीं हूँ कि जो जिसके जो मर्द मिल जाए उसके साथ मैं अपना इज्जत दे दूँ, ऐसा ऐसी मैं नहीं हूँ। तो खबरदार जो ऐसा कुछ मेरे बारे में सोचा भी। तो ये वो लड़का कहने लगा, देखो अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ तो जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करती जाओ, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। तभी वो औरत बोली, अगर मैं चिल्लाने लग जाऊँ तो तुम्हारा क्या हल होगा तुम्हें भी नहीं पता। तभी इतना बोलते ही वो कहने लगा, देखो घर तुम्हारा और मैं आया हूँ तुम्हारे घर पे, तो मैं अगर कह दूँ कि मुझे बुलाई है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और इतना बोलते बोलते उस औरत का हाथ पैर जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसके मुंह में कपड़े ठूस देता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ में सब कुछ वो करता है जो एक दोस्त की पत्नी के साथ ऐसा करता है। लेकिन वो औरत जो थी वो अपने पति के बारे में सोच रही थी। वो लड़का जो था उसकी अपने दोस्त की पत्नी के साथ में वो सब कुछ कर लेता है जो नहीं करना चाहिए था और उसके बाद वहाँ से चुपचाप घर से निकल जाता है। इधर उसके जाते ही वो औरत अपने सोचने लगती है कि इस हालत में अपने पति को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे पति मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, मुझे पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। तभी इधर अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उसका पति आ जाता है उसी समय और अपनी पत्नी का हालत देखकर रोने लगता है। तभी ये वहीं पर टेबल पर पड़ी चिट्ठी को पढ़ लेता है और अपनी चिट्ठी अपनी पत्नी का चिट्ठी पढ़कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ऐसे ऐसा काम किया, क्या मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था, अगर मेरे दोस्त ने ऐसा किया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। इतना कहते ही रोने लगा। तभी उसके बाद खुद को संभाला और पुलिस को फ़ोन करता है और अपने दोस्त को अरेस्ट करवाता है। लेकिन दोस्तों इससे एक सीख मिलती है कि प्यार जो है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। प्यार शरीर से नहीं, उस लड़के ने जो किया वो प्यार नहीं, एक शरीर की भूखा था, एक शैतान था। जो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब